ये कथा हमें बड़ी प्रिय है। काशी नगरी में एक महात्मा रहते थे, रोज गंगा स्नान जाते थे। तो रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता था, और जब महात्मा जाते तो वेश्या पूछती थी, महात्मा कच्चा या पक्का? महात्मा उत्तर नहीं देते, शांति से सिर झुकाकर चले जाते, लौटकर आते और वेश्या फिर से पूछती, महात्मा कच्चा या पक्का? महात्मा ने कोई उत्तर दिया नहीं, वेश्या ने पूछना छोड़ा नहीं। वर्षों पर बरस बीत गए, नियम चलता रहा। आज महात्मा का शरीर छूट गया, महात्मा के शिष्य अर्थी पर लेकर महात्मा को जा रहे हैं गंगा की ओर, अंतिम यात्रा है महात्मा की। रास्ते में फिर वेश्या का घर पड़ा, और वेश्या भी जिद की ऐसी पक्की थी, सोचा कल से किससे पूछूंगी, आज तो एक बार पूछ ही लेती हूँ। और जैसे ही वेश्या ने पुनः पूछा, महात्मा कच्चा या पक्का, महात्मा अर्थी पर उठकर बैठ गए और कहा, पक्का पक्का, एकदम पक्का। वेश्या ने कहा, जब बोल सकते थे जब जीवन था तब कुछ बोला नहीं, और जब मर गए बोल नहीं सकते तब उठकर बैठ गए, तब बोलते हो, अब कहने से क्या लाभ? महात्मा ने कहा, मां अभी कहने से तो लाभ है, जब तक जीवन में एक भी सेकंड बचा था मैं कैसे कहता मैं पक्का हूं। हाँ, अब जब शरीर ही नहीं रहा अब मैं कह सकता हूं मैं पक्का था और पक्का ही जा रहा हूं, मेरे मन का पतन हुआ नहीं। अगर एक भी क्षण बचता और मेरे मन का पतन हो जाता कैसे कहता मैं पक्का हूं। मन का भरोसा नहीं करना। हिरण के बच्चे से भरत जी को प्रेम हो गया, अपने बच्चों से अधिक। और धीरे धीरे ऐसी दशा आई, एक दिन जब भरत जी की मृत्यु हुई, वो हिरण का बच्चा सामने बैठा बैठा रो रहा था, उसकी ओर देखकर प्राण छोड़े तो अगले जन्म में हिरण बने, पिछले जन्म की याद बनी हुई थी तो अपने मुख को खुद नदी के जल में डुबोया, प्राणांत कर लिया। और अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। इस ब्राह्मण के दो पत्नी, पहली पत्नी से 9 बेटे और दूसरी पत्नी से 1 बेटी और 1 बेटे के रूप में फिर भरत जी ने, और यहां भी नाम इनका भरत ही, जन्म लिया। ब्राह्मण का पुत्र यज्ञोपवीत करवाया, पिता ने 4 महीने गायत्री मंत्र सिखाते रहे, रोम रोम में गायत्री वेद उपवेद विराजे हुए भरत जी के, तब भी भरत जी ने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया, क्योंकि शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी, धीरे धीरे यजमानी करनी होगी, लोगों के पास जाना होगा, पांडित्य कर्म करना होगा, धीरे धीरे फिर मन का पतन हो जाएगा, मन सब में लग जाएगा, किसी से प्रेम नहीं करना इस जन्म में, मूर्खों की तरह जड़ की तरह आचरण करते हैं, इसलिए इनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। पिता की मृत्यु हो गई, माँ सती हो गई, लेकिन सौतेले भाई प्रेम करते थे, घर में रखा, लेकिन भाभियां नहीं करती थी। भाभियां अपने पतियों को अच्छा अच्छा भोजन देती थी, वो सूखते जा रहे थे, और भरत जी को झूठन खाने को दी जाती थी, तब भी भरत जी हृष्ट पुष्ट हुए जा रहे थे। हृष्ट पुष्ट होना भोजन का विषय नहीं है, हृष्ट पुष्ट होना आनंद का विषय है। बहुत भोजन करने वाला भी दुबला मिल सकता है, और कम भोजन करने वाला भी हृष्ट पुष्ट मिल सकता है। जो मस्ती में रहता है वो कभी सुस्त नहीं होता, वो कभी अस्त नहीं होता। अब भाभियों ने ऐसी योजना बनाई कि भरत जी को काम पर लगा दिया गया, बर्तन मांजने पर लगाया गया, तो भरत जी ने उठाए बर्तन, चकनाचूर कर डाले, खेत में ले गए, मचान पर बैठा दिया, चिड़ियां आती हैं फसल को चुगने के लिए, उड़ा देना। चिड़ियां आई तो भरत जी के मन में विचार आया, तो गीत गाने लग गए। कौन सा गीत गाया? नामदेव जी का गीत है, तुकाराम जी का गीत है, राम जी री चिड़िया, राम जी रो खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। और तुकाराम जी ने ऐसा गीत गाया कि भरत जी ने ऐसा ऐसा गीत गाया, और बुला बुला कर आओ और आओ, कुटुंब ले आओ, सब मिलजुल के आओ, शाम तक मेरे हाथ में खेत है, उसके बाद मेरे भाइयों के हाथ में खेत है, जो करना है सो आज ही साफ कर जाना। शाम को अन्न का एक दाना नहीं मिला, भाइयों ने धक्के देकर घर से बाहर निकाला, डाकुओं ने बलि देने के लिए पकड़ लिया, बलि देने लगे तो भद्रकाली देवी प्रकट हो गई, डाकुओं का वध कर दिया, और भरत जी की रक्षा की है। भरत जी पुनः आनंद में वन में भटक रहे हैं, घर में रहते थे तो भी मस्ती में थे, और वन में रहते हैं तो भी मस्ती में रहते हैं। हर परिस्थिति में मस्त रहना सीखना चाहिए,
हर परिस्थिति आनंददायक है। जीवन में यदि आपने दुख माना तो दुख है, यदि आपने सुख माना तो सुख है। आप अपनी झोपड़ी से दुखी हैं तो देखो, कई संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास सिर पर छत नहीं है, झोपड़ी नहीं है। भगवान ने आपको पैर तो दिए, अगर पहनने को हीरे की जूती नहीं दी तो क्या चिंता। कई तो ऐसे भी हैं जिनके पास भगवान ने पैर ही नहीं दिए, हैं? तुम्हें पैर तो दिए, इन आंखों से भगवान को देख तो रहे हो, संसार को देख तो रहे हो। कई ऐसे भी हैं जिनको नेत्री नहीं दिए भगवान ने। महलों की ओर ज्यादा देखोगे ना तो गर्दन में दर्द ही हो जाएगा, ऊपर ज्यादा देखोगे तो नीचे देखो। तुम्हें भगवान दो समय का भोजन तो दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिन्हें भोजन करने को नहीं मिलता, जिनके बच्चे आज भी भूख से तड़प रहे हैं। भरत जी वन में भटक रहे हैं और उसी समय सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण सत्संग करने के लिए जा रहा था, पालकी में बैठा, कहार एक बीमार पड़ गया। भरत जी को पकड़ के ले गए, आगे पालकी में कहार बना के लगा दिया। भरत जी ने कहा, देखो भाइयों, मैं लेके तो चलूंगा पालकी, लेकिन मेरा एक नियम है, भूल से जीव हत्या नहीं हो जाए, कुछ कीड़ा आ गया, कुछ चींटी आई तो मैं इधर उधर पैर रख सकता हूँ। क्या चिंता, अब तो लेकर चलो, अपन में तो कोई और मिलता नहीं। अब जब भी कोई कीड़ दिखाई दे, भरत जी जरा इधर उधर चढ़ रखें तो पालकी हिले, कभी थोड़ी बहुत छलांग लगा दें तो राजा का सिर बार बार लकड़ी से टकराए, तलवार निकाली बार बार धमकी देता है, ठीक से लेकर चलो। भरत जी बहुत देर तक तो ठीक ठाक लेके चले और उसके बाद तो अब चींटों का पूरा झुंड का झुंड दिखाई दे गया। और भरत जी ने इधर रखा चरण, इधर रखा, पालकी को बहुत संभालने का प्रयास किया, जब लगा कि अब तो कीटों के ऊपर चरण पड़ ही जाएगा तो लंबी सी छलांग लगा दी। अब तो सारी पालकी डगमगा गई और उसमें जो बैठा रहुगण था सिर लकड़ी से टकराया, निकाली तलवार, कूद पड़ा, कहता दुष्ट तेरा वध कर डालूंगा, तेरे कारण मेरे सिर पर चोट लगी है, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा। भरत जी ने पालकी को नीचे रखा, कहा बेटा रहुगण, पहले तो ये बता दे तू मुझे मारेगा या मेरे शरीर को मारेगा। ये प्रश्न इतना साधारण नहीं है जितना लग रहा है, कि मुझे मारेगा कि मेरे शरीर। रहुगण को कुछ समझ में नहीं आया। रहुगण ने कहा तू मरेगा तो तेरा शरीर मरेगा, शरीर मरेगा तो तू मरेगा, दोनों में क्या अंतर, तू शरीर ही तो है। भरत जी ने कहा बेटा रहुगण, मैं शरीर से विमुक्त आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं। अगर तू मेरे शरीर को मारना चाहे तो मार ले, 100 बार मार ले, लेकिन ये मत कह तू मुझे मारेगा, कह मेरे शरीर को मारेगा। और अगर तू कहे कि मुझे मारे तो तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। भगवान गीता जी में कहते हैं मारेगा कैसे। रहुगण अब चरणों में झुका, कहता है महाराज मैंने देखा ही नहीं, आपके कंधे पर तो जनेऊ पड़ा है, आप तो ब्राह्मण है, संसार में सर्वोत्तम, अगर सबसे बड़ा कोई अपराध है, सबसे बड़ा कोई निकृष्ट अपराध हो सकता है तो ब्राह्मण से सेवा लेना है। मैं यमराज के दंड से, इंद्र के वज्र से, अग्नि की शक्ति से नहीं घबराता, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं घबराता, भयभीत होता हूं तो केवल किसी ब्राह्मण का भूले से अपराध और अपमान न हो जाए इससे भयभीत रहता हूं। चरणों में गिरा मुझे ज्ञान दीजिए। तब भरत जी ने रहुगण के लिए भवाटवी का उपदेश श्रवण कराया है। व्यापारियों का समुदाय व्यापार करने के लिए संसार रूपी बाजार में प्रवेश करता है, कभी काम वासना की आंधी से नेत्र बंद हो जाते हैं, बंदरों के समुदाय में जाके बैठता है, माने इधर उधर की बात करना वो अच्छा लगता है, लेकिन जब हंसों के बैठक में जाता है माने सत्संग में, तो वहां इसे अच्छा नहीं लगता, वहां लगता है कि कब समय पूरा हो हम यहां से चलें, और फिर बंदरों की तरह आके इधर उधर की इसकी बुराई उसकी भलाई ये चर्चा करते सारा जीवन बिता देता है। भरत जी ने सुंदर उपदेश किया है, कहा रहुगण केवल मिट्टी का शरीर, जीव मात्र एक है, जीव में कोई भेद नहीं है, प्राणी मात्र एक है, जब जन्मा नहीं था तब भी मिट्टी एक थी और जब मृत्यु होती तब भी मिट्टी एक जैसी होती है,
ब्राह्मण की मिट्टी और शूद्र की मिट्टी अलग नहीं होती, हिंदू की मिट्टी और मुस्लिम की मिट्टी कोई अलग होती है क्या? रक्त तो रक्त होता है, एक जैसा होता है। एक राजा की चिता जले और एक रंक की चिता जले, जब राख बनती है तो ये राख को लेकर हाथ में नहीं बता सकते कि ये धनवान की राख है और ये निर्धन की राख है। राख तो राख है। रघुगण ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे आज्ञा लेकर सत्संग करने को पैदल गया। समुद्र के किनारे भजन करते प्रभु को पाया। आगे राजा परीक्षित की प्रार्थना पर भगवान सुखदेव ने खगोल भूगोल का श्रवण कराया। भगवान वामन स्वरूप से जब त्रिलोकी को नाप रहे थे, उनका एक बाएं चरण का श्री नख ब्रह्मलोक को फूलकर अंदर प्रवेश कर गया और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उसी चरण को धोया और भगवान का वही चरणामृत गंगा जी बना, मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा। कितनी गंगा जी है, कितनी गंगा है अनिल जी, कितनी गंगा है? चलो भाई गुजकुरिया वाले तो पहली बार सुन रहे कथा, कितनी गंगा भाई पीछे वाले बताओ? पांच गंगा, चार गंगा, कौन कौन सी है? चलो एक महात्मा तो अच्छा निकला, महात्मा ने कहीं कथा सुनी है। अनिल जी आपने पांच सात कथा सुन ली है, तब भी चार की पांच हो गई है, चार गंगा। हम लोगों को आज ये गंगा दिखाई दे रही है, लेकिन मानसरोवर मेरु पर्वत इसके शिखर से जितनी भी नदियां निकली हैं वो चारों गंगा हैं। सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, ये चार गंगा है जो चार अलग अलग दिशाओं को पवित्र करती हैं। अलग अलग स्थानों पर भगवान के अलग अलग स्वरूप, भारतवर्ष में भगवान नर नारायण स्वरूप से विराजमान और यहाँ देवर्षि नारद इत्यादि भक्त उनकी निरंतर स्तुति करते हैं। पृथ्वी से नीचे भी सात लोक हैं और पाताल से भी नीचे 30,000 योजन नीचे भगवान शंकर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने हजारों फनों में से एक फन पर इस प्रकार रखा है जैसे कोई सरसों का दाना रखा हुआ, इतना विशाल भगवान शंकर का रूप है। और आगे नरकों की गति बताई है, करना छोड़ो, केवल कल्पना भी कर लो, केवल मन में सोच भी लो तो भी हजारों हजारों वर्ष नरकों की यातनाएं भोगनी होती हैं। हमारे गुरुजी ने हमसे कहा कि भले एक चीज़ याद रखना, सब सारी कथा बोलना, नरकों की गतियों को ज़्यादा चर्चा मत किया करो, लोग बहुत घबरा जाते हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि ये पाप तो मैंने किया ही है, ये पाप भी मैंने किया, हजारों वर्षों में नरकों में जाना ही जाना है। तब नरकों से बचने का क्या उपाय है वो अवश्य प्रेम से सुना देना चाहिए। इक्कीस मुख्य है, सात गौण नरक है, ये सब भगवान का शिशुमार चक्र है। और यही भागवत जी के पंचम स्कंद की कथा विश्राम ले रही है। आइए सब मिलकर श्रद्धा भाव प्रेम से षष्ठ स्कंद की पावन कथा में प्रवेश करें। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा गोविंद सरकार की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। छठे स्कंद में वर्णन, मनुष्य ने किसी भी प्रकार कोई पाप किया हो, भूले से भी पाप किया हो, तो सच्चा प्रायश्चित है, भगवान सुखदेव कहते हैं पश्चाताप हो जाए, मैंने जो किया सो गलत किया, आगे मैं ये पाप पुनः नहीं करूंगा। और जो पाप हुआ उसे मिटाने के लिए हम नाम लें, भगवान का नाम संकीर्तन ही पाप मिटाने के लिए सर्वोत्तम साधन है। कान्य कुब्जे द्विज कशे दासी पति रजा मिलो, नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। कन्नौज नगरी में अजामिल नाम का एक व्यक्ति रहता है। अजामिल किसे कहते हैं? बोले अजाम वेश्याम मिलती थी अजामिल, वेश्या के साथ जो रहे वो अजामिल।
अजम परमात्मा नाम अमिलति न मिलति ते जामिल है, जो भगवान का भजन नहीं करे वो अजामिल। लेकिन एक बार भगवान का भूले से भी नाम ले ले तो अजम यमराजम अमिलति न मिलति अजम परमात्मा नम आसमंतात मिलति प्राप्नोति ते जामिल है, यमराज के धाम नहीं वैकुंठ जाए भगवान को पाए वो अजामिल है। बड़ा सदाचारी माता पिता की निरंतर सेवा करने वाला भक्त अजामिल। एक दिन माता पिता की सेवा के लिए अजामिल वन में गया था फूल चुनने को। वहाँ इसने एक वेश्या को देख लिया, वेश्या को देख कर ऐसा आसक्त हो गया, उस वेश्या को अपने घर ले आया। माता पिता ने जब समझाया तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया, वेश्या को घर में रख लिया। धीरे धीरे करके वेश्या के गर्भ से अजामिल के घर में 9 बेटों का जन्म हुआ। वेश्या फिर से गर्भवती हुई, 10वीं संतान गर्भ में, और उस समय भगवान की कृपा हो गई है। आज प्रभु कृपा से गांव में संतों की कोई टोली आई, और ये संतों की कौन सी टोली है, कौन से संत पधारे? सुखदेव जी के बाबा भगवान वेद व्यास के पिताजी महर्षि पराशर ही आज संतों की टोली लेकर गांव में पधारे। दोपहर का राजभोग का समय संतों की टोली ने गांव वासियों से पूछा कि भैया आपके गांव में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, हमें उनके घर में प्रसाद पाना है, दोपहर का समय है। गांव वालों ने सोचा कि अजामिल के घर भेज दें, जब वो धक्के दे दे के बाहर निकालेगा बड़ा आनंद आएगा, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। पहले भी लोग हंसी उड़ाते थे संतों की, आज भी उड़ाते। कभी कभी कोई बहुत अच्छा काम हो जाता है जहां कहते हैं कि आओ महाराज हमारे घर पधारो, कि हमारे घर पधारो, भोजन तो हमारे घर में ही लो। गुरु नानक अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में गए, वहां के लोग बड़े अच्छे थे, बड़े धर्मात्मा, खूब सेवा की नानक की, और नानक ने उन्हें आशीर्वाद क्या दिया, उजड़ जाओ उजड़ जाओ। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ पूछा नहीं। दूसरे गांव गए तो वहां के लोग बड़े दुष्ट, किसी ने पूछा नहीं भोजन के लिए, भोजन की छोड़ो जल के लिए नहीं पूछा गुरु नानक से किसी ने। तब भी नानक ने आशीर्वाद दिया, बसे रहो बसे रहो। शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ, अब रुका नहीं गया, कहा गुरुदेव ये कैसे आशीर्वाद दे रहे हो, जो अच्छे हैं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो उजड़ जाओ, और जो दुष्ट हैं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो बसे रहो। नानक ने कहा तुम समझे नहीं, दुष्ट अगर जगह जगह फैला तो सबको बुरा बनाएगा, अपने जैसा बना देगा, इसलिए दुष्ट एक ही जगह बसे रहे सो अच्छा, और भला व्यक्ति अगर एक ही जगह बसा रहा सो बुरा, भला भले व्यक्ति उजड़े जगह जगह जाएं, जहां जहां जाते हैं वहां वहां भले व्यक्ति सबको भला बना देते हैं। अरे कहावत है, अगर भगवान के लिए चंदन लगाओगे अपनी उंगली में लेकर तो तुम्हारी उंगली भी तो महक जाएगी ना, केवल भगवान ही थोड़े नहीं महकेंगे, तुम्हारी उंगली भी तो महक जाती है। फूल चुन के लाओगे भगवान की सेवा के लिए तो तुम्हारे फूलों की खुशबू तुम्हारे हाथ में भी आएगी कि नहीं आएगी? भगवान को जब फूल अर्पित करोगे हाथों में सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? भगवान को इत्र का लेपन करोगे तुम्हारे हाथों में बसेगी कि नहीं बसेगी? शुभ कार्य करोगे सहायता करोगे तो क्या तुम सुवासित नहीं होगे? दो की तरह बनना, या तो चंदन की तरह या फूल की तरह। अगर चंदन की तरह बने तो भगवान भी अपने माथे पर रखते हैं, और अगर फूल की तरह बने तो भगवान भी अपने सिर पर या अपने चरणों में निवास देते हैं। केवल दो की तरह बनना, चंदन की तरह सबको महकाना, फूल की तरह खुद भी महकना, दूसरों को भी आनंद देना, तो भगवान भी अपने सिर पर और ललाट पर अपने चरणों में तुम्हें स्थान दे देते हैं। अब महर्षि पराशर बेचारे सीधे साधे संत अजामिल का दरवाजा खटखटा दिया। अजामिल घर में था नहीं, वेश्या घर में अकेली थी, और देखा द्वार पर संतों की बड़ी अच्छी टोली आई हुई है, बड़े अच्छे भजनानंदी संत, और देखिए संतों के दर्शन का यह फल था कि उस वेश्या की मनोवृत्ति बदल गई, विचार बदल गए। जिस वेश्या ने कभी किसी संत को प्रणाम नहीं किया, किसी को न्योता नहीं दिया, आज दरवाजा खटखटाया संतों ने और उनका दर्शन करते ही वेश्या के ऐसे भाव बदले, वेश्या ने दरवाजा खोला, अंदर पधारिए महाराज अंदर आइए। संतों ने कहा देवी जी ठाकुर जी की सेवा हमारे साथ है, राजभोग का समय है, अगर भगवान के लिए कुछ प्रसाद मिल जाता तो। अरे कैसी बात करते हैं महाराज, आपको भी भोजन कराऊंगी, आप भी प्रेम से विराजिए,
अब महर्षि पराशर और संत ये तो समझ गए इस स्त्री का श्रृंगार देखकर, वस्त्र देखकर, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कलुषित है, ये निकृष्ट है, ये कोई वेश्या इत्यादि है, ऐसा श्रृंगार अच्छे घर की स्त्री नहीं करती। लेकिन अब इसके घर में हमने चरण रख दिए तो बिना कृपा किए कैसे जाएं। वेश्या ने जल्दी से कुछ भोजन बनाया, भोजन कराया, उसके बाद संतों को भोजन दक्षिणा दी, कहा महाराज पधारिए। संतों ने कहा कैसी बात करती हो देवी जी, ये तो संत अजामिल का घर है, बिना संत अजामिल जी के दर्शन के क्या हम घर से चले जाएं? जरा संत अजामिल जी को तो आने दो, पहले उनका दर्शन करेंगे महात्मा का, इसके घर में प्रसाद पाया तब हम जाएंगे। अब वेश्या की समझ में आया कि गांव वासियों ने इन महात्माओं को बता दिया है कि मेरा पति वो कोई महात्मा है, ये महात्मा की कुटिया समझ के आ गए, इन्हें क्या पता वो तो महान दुष्ट है। अरे कहाँ महाराज, मेरे पति सुबह की जाते हैं, रात को देर से आते हैं, आप पधारे हैं, आने में उन्हें विलंब होगा। महात्माओं ने कहा चाहे 10 दिन लग जाएं, लेकिन बिना महात्मा के दर्शन किए हम जाने वाले नहीं। ऐसा महात्मा जिसके घर में प्रसाद पाया, ना ना महाराज, कहाँ होगा मेरे पति के पास इतना समय, ना। संतों ने भी अपने आसन जमा लिए, तब तक हम भजन करते हैं, आने दीजिए आपके पति देव को। वेश्या सोचती है कि ये संत सोच रहे हैं कि अभी मेरा पति आता होगा जामिल, वो बड़ी बड़ी जटाएं धारण करके 10-20 रुद्राक्ष तुलसी की माला पहने हुए, हाथ में माला जोड़ी लेके खड़ाऊ पहन के चला आ रहा होगा। अब इन्हें क्या पता वो तो पशुओं को मारने गया है, दो पशु इधर टंगे होंगे, दो पशुओं की लाश इधर टंगी होगी, उनके खून से नहाया हुआ होगा, अगर ये दृश्य देखा तो मेरे पति पर कलंक लगे कि नहीं लगे, महात्माओं पर बड़ा कलंक लग जाएगा। और तब वेश्या ने कहा अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। आज वेश्या बाहर निकली है, रास्ते में खड़ी है, जिधर की ओर से अजामिल आता है, अजामिल को देखा दूर से चला आ रहा है, संध्या का समय, 4-5 पशु इधर, 2 पशु इधर, खून से नहाया हुआ। वेश्या ने कहा जल्दी से चल, अरे तूने देखा नहीं आज कितने पशुओं को मार के आया हूं, आज तो इतना मांस लेके आया हूं कि अब तो जीवन भर के लिए भूख मिट गई, कम से कम 1 महीने अब शिकार नहीं खेलना होगा। वेश्या ने कहा पशुओं को फेंको, पड़ोसी के घर में ले गई, जल्दी से स्नान करवाया। अजामिल ने कहा हुआ क्या, घर में कोई अतिथि आए हैं क्या, बेटे को देखने वाले कोई आए हैं क्या? बोले बेटे को देखने वाले नहीं, जीवन को देखने वाले महात्मा आए हैं, पीताम्बरी लेके खड़ी थी, पीताम्बरी पहना दी अजामिल को, बड़ी बड़ी जटाएं धारण करा दी, नकली 10-20 बड़े बड़े कंठे धारण करा दिए, माला झोली हाथ में दे दी, खड़ाऊ चरणों में पहना दी। घर में संत आए हैं, उन्होंने तुम्हें महात्मा समझा हुआ है, उनके सामने जाना, करना क्या है? बोले करना ऐसा कि उन्हें जाके प्रणाम करना, कर देंगे। फिर क्या करना है? बोले जैसे मैं बोलूं वैसा बोल देना, ठीक है तू बता दे क्या बोलना है। उनसे बोलना कि महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज आप लोग मेरी कुटिया में पधारे। उससे कहना महाराज आज मैं धन्य धन्य हो गया कि मुझे आप लोगों का दर्शन हुआ। उसके बाद उनसे हाथ जोड़ के कहना कि महाराज मेरे लिए कोई आज्ञा हो, कोई सेवा हो तो मुझे आज्ञा दो। समझ गए? बोले एकदम समझ गए। क्या बोलोगे? बोले हम कहेंगे कि तुम आज धन्य धन्य हो गए कि तुम मेरी कुटिया में पधारे। हम बोलेंगे आज तुम्हारा भाग्य खुल गया है कि आज तुम्हें हमारा दर्शन हो गया। हम बोलेंगे हमसे कोई सेवा करवानी हो तो पूछ लो, हम जो आज्ञा देते हैं वो सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी। वेश्या समझ गई कि इसके साथ रहते रहते मैं इसकी जैसी हो गई, और मेरे साथ रहते रहते ये मेरे जैसा हो गया। सत्संगी के साथ रही तो सत्संगी बन गई वेश्या, और कुसंगी के साथ रहा अजामिल तो वो कुसंगी बन गया, बुद्धि नष्ट हुई ब्राह्मण की। वेश्या ने कहा कुछ भी नहीं करना, बस ऐसा करना हाथ जोड़ के खड़े रहना, जो बोलना है सो मैं बोलूंगी। हाँ ठीक है, ये अच्छा है। अजामिल को लेकर गई, अजामिल ने प्रणाम किया और जो संतों का दर्शन किया, हाहा, महर्षि पराशर जैसे संत देखते ही मनोवृत्ति बदल गई। कहाँ समझाने पर नहीं बोल पाता था और कहाँ आज नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। अजामिल संतों के चरणों में गिरा है, बारंबार शीश नवाता है, प्रणाम करता है और कहता है महाराज धन्य धन्य हो गया, आज मेरी कुटिया परम पवित्र हुई कि आपके चरण मेरे घर में पड़े हैं।
ये संतों के दर्शन का फल है। संतों ने कहा जामिन जी बहुत विलंब हुआ, हमें जाना भी है, आगे की यात्रा भी करनी है, एक वचन दे दो, अगले बालक का नाम आप नारायण रख देंगे। और जामिल ने दिया वचन और संतों की टोली गई है और अगले बालक का नाम अजामिल ने रख दिया नारायण। और इतना सुंदर बालक प्रभु की कृपा से अब तो नारायण भोजन करोगे, नारायण जल पियोगे, नारायण सोओगे, नारायण जागोगे, नारायण नारायण दिन रात नारायण नारायण नाम रटता है, तब तो इसकी मुक्ति होनी होनी है ना, दिन रात रटे। आज अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमराज के तीन भयंकर दूत इसे ले जाने के लिए जब आए हैं, उनके भयंकर विकराल स्वरूप को देखकर अजामिल घबरा गया है। और जैसे ही इसने अपने बेटे नारायण को पुकारा है, नारायण ओ नारायण पुकारा अपने बेटे नारायण को, भक्त वत्सल भगवान ने चार पार्षद भेज दिए, रक्षा करो मेरे भक्त की। पार्षदों ने कहा आपको नहीं, अपने बेटे को पुकार रहा है। बोले नहीं, पहले मेरा नाम है इसलिए मुझे सुनना है, ये मेरा प्रण है। चार पार्षद आए, यमदूतों को धर्म समझा कर लौटाया है, अजामिल की रक्षा करवाई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल श्रीमन नारायण भगवान की जय। अजामिल ये सारा दृश्य देख रहा है, मन में सोचा, बड़ा पश्चाताप हुआ, ग्लानी हुई, अगर एक बार अनजाने में नाम लिया तो ये फल हुआ, अगर जानबूझकर दिन रात नाम लूंगा न जाने क्या फल होगा। उसी समय घर बार त्यागा, बद्रीनाथ धाम चला गया, दिन रात साधना में लीन रहता है। नाम रटते रटते अजामिल ने पापों का प्रायश्चित किया। एक दिन भगवान ने इसे लेने के लिए विमान भेजा, पार्षदों ने विमान में विराजमान किया, अजामिल को पार्षद का रूप मिल गया। पीतांबर पहने, जटा दंड कमंडल को धारण करके, तुलसी की माला गले में धारण करके, वनमाला पहने हुए अजामिल बैकुंठ चला गया, भगवान के चरणों में प्रणाम करके आज भी भगवान की निरंतर सेवा कर रहा है। ये कब हुआ? एक बार नाम ले लेते हैं, हर परिस्थिति में नाम लेना, नाम लेना कभी छोड़ना नहीं। नाम लिया तो गणेश जी की पहली पूजा हो रही है, राम नाम की परिक्रमा की तो पहली पूजा। शिव जी ने नाम लिया भगवान का तो हलाहल विष भी अमृत बन गया। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषमृत कर दिया मुरारी। राम जी ने तो केवल एक अहिल्या तारी, भगवान के नाम ने न जाने कितनी कितनी अहिल्या तार दी है। राम एक तापसती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश करि राखे हो रात राम राम रखते हैं, इसके राम जी भी उनके वश में हो गए। एक बार नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त। राम जी के दरबार में पहुंचे, देखा भक्तों का बड़ा वाला रजिस्टर रखा हुआ था। रजिस्टर देखाए तो हनुमान जी के पास आ गए, कहा रे हनुमान तू जानता भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन? हनुमान जी ने कहा नारद जी आप और कौन, आपसे बड़ा भगवान का भक्त कौन होगा? नारद जी ने कहा ऐसे कैसे माने, भगवान के पास चलते हैं, राम जी बताएंगे उनका बड़ा भक्त कौन। हनुमान जी का हाथ पकड़ के ले गए राम जी के पास, कहा महाराज वो बड़ा वाला रजिस्टर मंगाओ जिसमें भक्तों की सूची है। भगवान राम ने भक्तों वाला रजिस्टर मंगाया, उस सूची में देखा तो सबसे ऊपर नाम किसका नाम, बोलो भाई किसका नाम? नारद जी का नाम, हनुमान जी का नहीं, नारद जी का ही नाम। नारद जी ने कहा देखा सबसे ऊपर मेरा नाम, अच्छा तेरा नाम भी खोजे कौन से स्थान पर है। पूरा रजिस्टर पन्ने के पन्ने पलटते चले गए, नारद जी कहीं हनुमान जी का नाम ही नहीं। नारद जी ने कहा ओ हो हनुमान तू तो भगवान का दिन रात भजन करता है, रटता है नाम को, भगवान तो तुझे भक्ति नहीं मानते।
हनुमान जी ने कहा, नारद जी बहुत देर हो गई, बहुत देर से आपकी सुने चला जा रहा हूं। बड़ा वाला भक्तों का रजिस्टर देखा, वो छोटी वाली पॉकेट डायरी जो भगवान की जेब में रहती है वो देखी कि नहीं देखी? हनुमान जी ने, नारद जी ने राम जी से पूछा कि महाराज आपकी जेब में कोई छोटी डायरी भी रहती है? राम जी ने कहा, हनुमान जी जाने दो। हनुमान जी ने कहा, कैसे जाने दे? नारद जी के कहने पे बड़ा बड़ा रजिस्टर मंगा दिया, महाराज मेरे कहने पे छोटी डायरी जेब से नहीं निकाल सकते। राम जी ने छोटी सी डायरी निकाल दी, डायरी को खुला गया, केवल 10-12 भक्तों की सूची, उनमें सबसे ऊपर नाम सो हनुमान जी का नाम। नारद जी की समझ में कुछ आया नहीं। नारद जी ने प्रभु से पूछा कि महाराज वो बड़ा वाला भक्तों का रजिस्टर कैसा और ये छोटी डायरी कैसी, इन दोनों में अंतर क्या है? राम जी ने कहा, नारद जी बुरा तो नहीं मानोगे? बोले एकदम नहीं मानूंगा। राम जी ने कहा, वो भक्तों का रजिस्टर जिसमें हजारों भक्तों के नाम है, जिसमें सबसे ऊपर आपका नाम है नारद जी, वो उन भक्तों की सूची है जो मेरा नाम निरंतर लिया करते हैं, और ये छोटी डायरी जिसमें 10-12 भक्तों के नाम है और जिनमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम है, ये उन भक्तों की सूची है जो मेरा नाम तो निरंतर लिया करते हैं लेकिन उससे ज्यादा राम उनका नाम निरंतर लिया करता है, और राम निरंतर जिनका जप करता है उनमें सबसे ऊपर मेरे प्यारे भक्त हनुमान है। तो श्री राम जय। राम भगवान की सांकेत्यं बारिहास्यं वा सोभम हेननमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेषाघहरं विदुः। हर परिस्थिति में, हंसी में, परिहास में, सुख में, दुख में, भय में, कल्याण में नाम रटते रहना, जो अच्छा लगे प्रभु का नाम निरंतर लेना, कोई मिले तो भी राधे राधे बोलना, कोई आए तो भी राधे राधे और जाए तो भी राधे राधे बोलना। प्रेम से दोनों हाथ खड़े करके ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके
खुशहाली बजाओ बिहारी लाल की जय बरसाने वारी की जय भानु दुलारी की जय 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 श्री राधे। जो प्रभु का निरंतर नाम लेते हैं वे वैकुंठ के अधिकारी होते हैं। यमराज ने अपने दूतों को समझाया, प्रजापति दक्ष ने अपने शरीर का त्याग कर प्राचीन दक्ष के रूप में पुनः जन्म लिया। घर में कई कन्याओं के वंश का वर्णन। एक बार जब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, बृहस्पति ने उन्हें त्यागा, असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप जी को अपना गुरु बनाया, जिन्होंने नारायण कवच का दिव्य उपदेश श्रवण कराया और नारायण कवच के प्रभाव से देवताओं को खोया हुआ राज्य मिल गया। लेकिन जब कार्य निकल गया और पाया कि गुरु जी कुछ आहुतियां हवन की रोज चुपचाप असुरों के लिए भी देते हैं, इंद्र ने अपने गुरु के तीनों मस्तक काट दिए, जो पपी हाथी तर गौरैया पक्षी बने। एक वर्ष बाद उस ब्रह्म हत्या को चार भागों में बांटकर उसकी निवृत्ति की। विश्वरूप के पिता तुष्टा ने क्रोधित होकर विशाल यज्ञ किया, लेकिन क्रोध में भरकर जब यज्ञ किया, अर्थ बदल गया, समास बदल गया, इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र से मरने वाले बेटे ने जन्म लिया, वृत्रासुर नाम हुआ। असुर सेना लेकर देवताओं पर आक्रमण किया, शरीर से टकराकर जब इसके देवताओं के अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए, भगवान नारायण की आज्ञा से देवताओं ने दधीचि ऋषि से की प्रार्थना। दधीचि ने जगत के कल्याण के लिए क्षण भर नहीं लगाई, शरीर त्याग दिया। ढाई शस्त्र बना दधीचि की हड्डियों से, जिसमें आधा शस्त्र ये वज्र लेकर देवता आए हैं। रणभूमि में ऐसा दिव्य युद्ध किया, सारी असुर सेना रणभूमि को छोड़कर भाग खड़ी हुई है। वृत्रासुर अकेला खड़ा रहा है, भयंकर अट्टहास करता हुआ हजारों देवताओं के चरणों के नीचे कुचलता हुआ इंद्र के सामने पहुंचा। कहता है, तेरा वध करके तीन वधों का बदला लूंगा। तूने ब्राह्मण को मारा, गुरु को मारा, मेरे भाई को मारा। एक क्षण बीता, वृत्रासुर कहता है, मैं तुझे क्या मारूं इंद्र, मैं जानता हूं तेरे हाथ में जो वज्र लगा है, आज इस वज्र से मेरी मृत्यु होनी है, क्योंकि मेरे श्री हरि नारायण तो आज तेरे पक्ष में है। रणभूमि में मानो वृत्रासुर का ध्यान लगा हो और पुरुषार्थ चतुष्ट ही सुंदर स्तुति की है। अहम हरे तव पादय कमलो दासानु दासो भवितास्मि भूयो मन स्मरे दासुपते गुणास्ते गृणी तवा कर्म करो तुकाय। हे हरि जहाँ मुझे जन्म मिले आपका दासानुदास में बनूं। भगवान ने मानो कहा हो, मुझे छोड़ दे, त्रिलोकी का राज्य दूं, वैकुंठ दूं, स्वर्ग दे दूं। अगले श्लोक में कहता है,
नाकपृष्ठम न च पादमेष्टम, कुछ नहीं चाहिए हे हरि, केवल आप चाहिए। भगवान ने मानो पूछा कितना प्रेम करता है, तो अगले श्लोक में, काम श्लोक में कहता है, जैसे चिड़िया के बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं भूखे, जैसे भूखे बछड़े शाम के समय अपनी माँ गाय की प्रतीक्षा करते हैं दूध पिलाने को, जैसे एक प्रेमी अपने प्रियतम के लिए व्याकुल रहता है, इसी प्रकार हे कमल नयन, मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। भगवान ने पूछा हो मानो तो चाहिए क्या, अब अगले श्लोक में कहता है हे हरि, केवल आपकी शरणागति चाहिए, जहां जन्म मिले आपका दासानुदास बनूं, मेरा मन आपका स्मरण करे, संसार के कर्मों में चक्करों में मैं भ्रमित न हो जाऊं, आपके भक्तों से मेरी प्रीति हो और आप में मेरा प्रेम हो। इंद्र ने जब भक्त मानकर प्रहार नहीं किया, त्रिशूल लेकर इंद्र को मारने दौड़ा, इंद्र ने परिघ से दायां हाथ फिर बायां हाथ काटा, मुख को विशाल आकार में फैलाकर इंद्र की ओर दौड़ा, ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को जीवित निकल गया, इतना विशाल मुख किया है। लेकिन नारायण कवच के प्रभाव से असुर के पेट में पहुंचकर इंद्र की मृत्यु नहीं हुई है। इंद्र ने वज्र के द्वारा इस उदर को मध्य में से विदीर्ण किया, चीरा, इसका वध करके इंद्र बाहर आ गए और सबने देखा वृत्रासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान नारायण गरुण पर विराजमान रणभूमि में प्रकट हुए, उनमें समा गई है। देवता शत्रु भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तराज वृत्रासुर जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। ऋषि मुनियों ने इंद्र से यज्ञ कराई जिससे ब्रह्म हत्या का पाप मिटा। पूर्व जन्म में ये वृत्रासुर शूरसेन देश का राजा चित्रकेतु था। कई रानियां, संत कृपा से एक रानी के पुत्र का जन्म हुआ तो और रानियों को ईर्ष्या हो गई, उन्होंने छोटे बालक को विष देकर मार दिया। जब राजा चित्रकेतु रो रहा था तब अंगिरा और नारद ऋषि ने आकर इसे ज्ञान दिया, एक मंत्र दिया जिससे विद्याधर बन गया। एक बार कैलाश के ऊपर से उड़कर जा रहा था, भगवान शंकर की इसने हंसी उड़ाई, तब पार्वती जी ने इसे श्राप दिया था, जिसे असुर योनि में आया, लेकिन पिछले जन्म की भक्ति का प्रभाव इस जन्म में भी भक्ति इसके जीवन में विराजमान रही है। दिति के जब कई बेटे दैत्यों का वध इंद्र ने कर दिया तो अपने पति कश्यप से प्रार्थना करके एक वर्ष का कठोर पुंसवन व्रत का अनुष्ठान किया प्रारंभ। इंद्र को पता चला मुझे मारने के लिए अनुष्ठान हो रहा है, इंद्र एक ब्रह्मचारी बालक का वेश बनाकर आया, सेवा करने का नाटक करने लगा। 11 महीने बीते, आज दिति झूठे मुंह सोई, माने बिना कुल्ला किए सो गई। बस इंद्र को मिला अवसर, गर्भ में प्रवेश करके गर्भ के बालक के 49 टुकड़े किए, लेकिन व्रत के प्रभाव से ये 49 बालक बन गए। हर प्रेरित ते ही अवसर चले मृत 49 मरुदगण बने हुए देवलोक प्रस्थान कर गए। यहीं भागवत जी के षष्ठ स्कंद की कथा भी विश्राम ले रही है। आइए सब श्रद्धा से सप्तम स्कंद की पावन कथा में प्रवेश करें और दर्शन करें किस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा को भगवान नृसिंह स्वरूप में अवतरित हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा गोविंद सरकार की जय, नृसिंह भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सप्तम स्कंद में वर्णन। सबसे पहले राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज भगवान सदा ही भेदभाव क्यों करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों से विरोध करते हैं। भगवान सुखदेव ने कहा भगवान की दृष्टि में देवता असुर सब बराबर हैं, भगवान तो केवल अपने भक्त का पक्षपात करते हैं। अब भक्त यदि असुर भी हो भगवान उसका भी पक्ष ले लेते हैं। भगवान सुखदेव ने कथा सुनाई, जब भगवान ने शिशुपाल को मारा तो युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, देवर्षि नारद से पूछा कि गालियां देने वाले की मुक्ति कैसे हुई महाराज। नारद जी ने कहा ये गालियां भी देता था तो दिल से देता था, हम भजन करते हैं तो मन नहीं लगता, ध्यान लगता नहीं, और हम कहते हैं कितना भजन करते हैं। भगवान से बिना संबंध जोड़े भगवान की प्राप्ति कभी हुई नहीं है।
अगर असुरों के कुल में भी कोई भक्त जन्म ले, भगवान उसका पक्ष ले लेते हैं, जैसे प्रहलाद का लिया था। तब नारद जी ने युधिष्ठिर जी के लिए प्रहलाद जी की कथा सुनाई है। भगवान ने वाराह अवतार लिया, हिरण्याक्ष दैत्य का विनाश किया, हिरण्याक्ष की पत्नियां और माँ बड़ी जोर से रो रही हैं। तब हिरण्यकश्यप उनके पास पहुंचा, उन्हें ज्ञान दिया, तपस्या करने के लिए अपने कुल पर्वत मंदराचल पर गया है। केवल एक चरण के अंगूठे पर खड़ा हुआ है, दोनों हाथ आकाश में ऊपर की ओर जुड़े और दृष्टि आकाश में लगी हुई है। कब ब्रह्मा वरदान देने आएंगे? ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो कहीं शरीर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि चींटियां सारा शरीर साफ कर गई, मिट्टी का टीला लग गया। ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल खींचकर मारा, पहले जैसा शरीर मिल गया। कहा वरदान मांग, तो क्या मांगा? अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा देना मेरे वश की बात नहीं, कोई और वरदान मांग। बहुत विचार करके वरदान मांगा, बड़ा प्रसिद्ध वरदान है, एक एक बच्चा जानता है इस वरदान को। कहता है आपकी सृष्टि के किसी प्राणी से न मरूं, न नर से, न पशु सिंह से, न दिन में न रात में, 12 महीनों में कभी मरूं नहीं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न भूमि पर मरूं न आकाश में मरूं, न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। प्रजापतियों पर मेरा राज्य हो, त्रिलोक पर मेरा आधिपत्य हो। ब्रह्मा जी को चक्कर आने लगे, जल्दी से तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हुए। अब तो हिरण्यकश्यप को त्रिलोकी पर राज्य प्राप्त हो गया। देवता इसके घर में सेवा करते हैं। देवता रोते हुए भगवान नारायण की शरण में गए, प्रभु रक्षा करें, अवतार लें। भगवान नारायण ने कहा देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, जब सुख होता है तो मेरा ध्यान नहीं, जब दुख होता है, संकट आता है तो मेरी शरण में आ जाते हो। प्रभु आपका वचन है जब जब देवताओं, ब्राह्मणों, गौ माता पर, संतों पर संकट आएगा आप अवतार लेंगे। भगवान ने कहा इस बार नहीं, तुम पर संकट आया इसलिए अवतार नहीं लूंगा, जब ये मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा अपने पुत्र को तब अवतार लूंगा। देवताओं ने कहा महाराज अभी तो पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ। भगवान ने कहा तो प्रतीक्षा करो। अब जो देवता चाहते थे पहले कि हिरण्यकश्यप के घर में कोई संतान ही नहीं जन्मे, अब वो देवता भगवान को मनाते हैं कि जल्दी से संतान का जन्म हो जाए। पहले बालक का जन्म हुआ, देवता बड़े प्रसन्न हुए। पुरोहित शुक्राचार्य जी आए नामकरण करने के लिए। देवता कान लगाकर ध्यान से सुन रहे क्या नाम रखा गया, शायद प्रहलाद रखा जाए, तो नामकरण कर दिया हलाद। देवता दुखी हो गए। दूसरा बालक जन्मा, बड़े प्रसन्न, नामकरण हुआ सनलाद। और जैसे ही पुरोहित जी ने नाम रखा प्रहलाद, देवता प्रसन्न हो गए, आकाश से झरझर झरझर फूल बरसाने लगे, जय जयकार। बोलिए भक्तराज प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद की कथा हम सुने, जरा उससे पहले हम समझें प्रहलाद है कौन। प्रकृष्टेन लाद यति हर्षयति प्रहलाद। स्वयं खुश रहना तो हम सब जानते हैं, चाहते हैं, लेकिन जो सबको खुशी बांटे, जो सबको प्रसन्न करना चाहे, वो प्रहलाद है। प्रहलाद जी जब बड़े हुए, पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया शंडामर्क गुरु जी के यहाँ। गुरु जी ने खूब पाठ याद कराया अच्छी तरह से, हिरण्यकश्यप ईश्वर है। प्रहलाद जी पाठ अच्छी तरह याद करते, आज रास्ते में कहीं जा रहे थे तो प्रहलाद जी ने देखा कि कुमारिन होती है ना, कुमारिन ने एक आंवा लगा रखा है, अग्नि लगी हुई है कुमारिन की, मिट्टी के बर्तनों को तपाने के लिए। और कुमारिन बड़ी दुखी हुई, आंखों से आंसू बह रहे हैं, माला लेकर राम राम करते हुए आंवे की परिक्रमा लगा रही है। प्रहलाद जी को कुछ समझ में नहीं आया, उस कुमारिन से पूछा देवी जी क्या हुआ, क्यों रोती हो, क्यों इस अग्नि के चारों ओर क्यों परिक्रमा? उस कुमारिन ने कहा क्या कहूं, कल ही मेरी बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, इसी आवे के कच्चे कुल्लड़ों के ढेर में थे, मैंने सोचा कि जब अग्नि लगाऊंगी तब उन बच्चों को बाहर निकाल दूंगी और तब आग लगाऊंगी, लेकिन क्या करूं अग्नि लगा दी और तब याद आया कि बच्चों को निकालना तो मैं भूल ही गई, अब क्या होगा, क्या तुम्हारे रोने से तुम दूर हो जाएगा, क्या वे बिल्ली के बच्चे बचेंगे? कुमारे ने कहा मुझे भरोसा है राम के नाम में वो शक्ति है जिनकी रक्षा करेगा।
इसलिए राम नाम लेकर मैं परिक्रमा कर रही हूँ। प्रहलाद ने कहा, ध्यान देकर रुककर देखना होगा क्या राम के नाम में वास्तव में इतनी शक्ति है। अरे तुम मेरे पिता का नाम क्यों नहीं लेती, ईश्वर तो वो हिरण्यकश्यपु। कुमार ने कहा, तुम्हारे गुरुजी धन के लोभ में तुम्हें गलत शिक्षा देते हैं, हिरण्यकश्यपु तो नकली भगवान है, वो तो दुष्ट है। प्रहलाद रुके, देखते रहे, अग्नि शांत हुई और प्रहलाद ने राम नाम का चमत्कार देखा कि बिल्ली के दोनों बच्चे सकुशल सुरक्षित बाहर निकले हैं। बस प्रहलाद जी को भरोसा हो गया राम के नाम पर। यहां से प्रहलाद जी ने ठान लिया, गुरु जी कितना भी पाठ याद कराए, मुझे नाम नहीं लेना है हिरण्यकश्यप का, ईश्वर तो एक ही है मेरे नारायण। आज गुरुओं को लगा कि अच्छी तरह पाठ याद हो गया, सजा दजा के प्रहलाद जी को ले गए तो ऐसा सुंदर उपदेश कराए भगवान नारायण का। लेने गए थे पुरस्कार, दंड मिलते मिलते बच्चा खूब डांट पड़ी, फिर से पाठ याद कराया, अच्छी तरह पाठ याद हो गया, श्रृंगार करके सजा धजा कर लेकर गए। हिरण्यकश्यप ने बेटे को आए देखा, गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फिराया, लाड़ लड़ाया, कहता है बेटा गुरुकुल में क्या क्या सीखा। और प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुनाई, श्रवणो कीर्तनो विष्णु स्मरणो पाद सेवनो अर्चनो वंदनो दास्यो सख्यमात्म निवेदनो। श्रवणो कीर्तनो विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यो सख्यमात्मनिवेदनम्। अर्चनो वंदनो दास्यो सख्यमात्मनिवेदनम्। अर्चनो वंदनो दास्यो सख्यमात्मनिवेदनम्। पहली भक्ति श्रवण है, बिना सुने कभी किसी के जीवन में भक्ति आई नहीं है। मन लगे या न लगे श्रोताओं कथा में जाते रहना, सुनना जरूरी है। सुनोगे एक दो चार दस दिन में कभी तो भक्ति आएगी। श्रवण होगा साथ साथ कीर्तन होगा तो घर भी जाओगे तो क्या करोगे, कीर्तन करते हुए जाओगे दूसरी भक्ति, तब भगवान की बार बार याद आएगी, तीसरी भक्ति स्मरण, और तब क्या होगा पाद सेवनम, चौथी भक्ति माने भगवान के चरणों की सेवा नहीं, पाद माने भगवान के अंश, उन संतों की शरण में जाओगे, भक्तों की शरण में जाओगे और उनकी आज्ञा के अनुसार भगवान की अर्चना करोगे, वंदना करोगे, प्रणाम करोगे, तब अपने को भगवान का दास मान लोगे, वही भक्ति प्रविष्ट होगी, बढ़ेगी तो लगेगा हम भगवान के सखा हैं, अपने ही हैं, और तब अंत में जीव अपना सर्वस्व भगवान के चरणारविंद में अर्पित कर देता है। जैसे ही उपदेश सुने हैं और दोनों गुरुओं ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये उपदेश हमें नहीं आते, हम क्या याद कराएंगे आपके बेटे को, उठाकर प्रहलाद को भूमि पर देकर मारा है, असुरों को आदेश दे दिया है जीवित रहने के योग्य नहीं, इसका वध कर दिया जाए। असुर सैनिक त्रिशूल तलवार खड़ग लेकर दौड़े, प्रहलाद पर बारंबार प्रहार करते हैं, लेकिन भगवान नारायण किसी को दिखाई नहीं दिया। अप्रत्यक्ष रूप से प्रहलाद के ऊपर लेटे, सारे वार अपने ऊपर ले लिए, प्रहलाद को पर्वतों की चोटियों से फेंका गया, भगवान नारायण नीचे सुरक्षित गोद में ले रहे थे, प्रहलाद को बिच्छुओं से डसवाया गया, सांपों ने डसा, भोजन में विष दिया, भगवान अमृत बनकर अंदर प्रवेश कर गए, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, भगवान अग्नि अंदर बनकर अंदर प्रवेश कर गए, हाथी के चरणों के नीचे कुचलवाया गया, भगवान ऊपर लेट गए, सारा भार अपने ऊपर ले लिया है। दो हाथन वारो सके नर को कहा बिगाड़, और नारायण रखवार जब जिनके हाथ हजार। जय हो भक्तवत्सल भगवान की, जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय। दो हाथन वारो सके नर को कहा बिगाड़, नारायण रखवार जब जिनके हाथ हजार। बोली भक्तवत्सल भगवान की, भक्तराज प्रहलाद जी महाराज की जय।